बाहुबली से माननीय बने मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी को कोर्ट ने सजा सुना दी है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कृष्णानंद हत्या मामले में दोषी ठहराए गए अंसारी बंधुओं ने अपने कारनामों से अपने ही परिवार के गौरवशाली इतिहास को बदनुमा दाग लगा दिया, लिहाजा करनी का फल भी मिला। मुख्तार अंसारी जिस घराने से ताल्लुक रखता है वो घराना बहुत नामी है। इसके दादा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, जबकि इसके नाना भारतीय सेना में ब्रिगेडियर के पद पर रहे। इसके दूर के नातेदार हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रहे। उसी कुल से जुड़ा मुख्तार अंसारी बाहुबली होने की पहचान रखता है। जुर्म की दुनिया में दशकों तक सक्रिय रहने वाले मुख्तार अंसारी को लेकर कहा जाता है कि इसने इतनी अकूत और बेनामी संपत्तियां बनाई हैं जिसका अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। हालांकि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए अपने शपथ पत्र में मुख्तार अंसारी ने अपने पास कुल 21,88,57,273 रुपए की चल अचल संपत्ति का खुलासा किया था। उस समय इसके पास 1,35,96,823 रुपए की कुल चल संपत्ति थी, जबकि इसने अपने पास 20,55,30,450 रुपए की अचल संपत्ति होने का दावा किया था। इसकी अचल संपत्तियों में परिवार के नाम से 3,23,00,000 रुपए से ज्यादा कीमत की कृषि भूमि है। इसने अपनी गैर कृषि योग्य भूमि की कीमत 4,90,00,000 रुपए बताई थी। इसके पास 12,45,30,450 रुपए कीमत की कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जबकि मऊ में एक घर के अलावा लखनऊ में 3 आलिशान फ्लैट्स हैं, जिसकी कुल कीमत 1,70,00,000 रुपए से ज्यादा है। वही अगर मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की प्रॉपर्टीज की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए अपने शपथ पत्र में अफजाल अंसारी ने अपने पास कुल 13,79,38,756 रुपए की चल अचल संपत्ति का खुलासा किया था। उस समय इसके पास 1,08,44,641 रुपए की चल संपत्ति थी, जबकि इसने अपने पास 12,70,94,115 रुपए की अचल संपत्ति होने का दावा किया था। अफजाल अंसारी की अचल संपत्तियों में परिवार के नाम से 3,36,22,523 रुपए से ज्यादा कीमत की कृषि भूमि शामिल है। इसने अपनी गैर कृषि योग्य भूमि की कीमत 14,05,000 रुपए बताई थी। इसके पास 1,53,55,000 रुपए कीमत की कमर्शियल प्रॉपर्टी है। मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों को लेकर जब खुलासा हुआ तो सब हक्के बक्के रह गए थे। यूपी सरकार अब तक मुख्तार अंसारी और उससे जुड़े लोगों की करीब 192 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई कर चुकी है, जिसमें इसकी कई अवैध इमारतें भी शामिल थी। इसके अवैध ढंग से बने एक होटल पर भी बुलडोजर एक्शन किया गया था। बाहुबली मुख्तार अंसारी बेशक गैंगस्टर कहलाता है, लेकिन इसने अपने चुनावी शपथ पत्र में घोषणा की थी कि इसके पास व्यक्तिगत तौर से कोई हथियार नहीं है। हालांकि इसने परिवार के दूसरे लोगों के पास 27 लाख से ज्यादा कीमत के हथियार होने की जानकारी दी थी, जिसमें इसकी पत्नी के नाम से 2,50,000 रुपए की एक रिवॉल्वर, जबकि परिवार के बाकी सदस्यों के नाम पर DBBL शॉटगन, 2 राइफल, 1 पिस्टल और कारतूस हैं। अपने शपथ पत्र में मुख्तार अंसारी ने बताया था कि उसके अपने नाम पर कोई गाड़ी नहीं है, जबकि उसकी पत्नी के नाम पर करीब 20 लाख रुपए कीमत की एक पजेरो गाड़ी है। मुख्तार अंसारी के परिवार के पास 72,50,000 रुपए से ज्यादा कीमत के गहने भी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।